वर्ल्ड कप का 220वां मुकाबला जो कि खेला जाएगा साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड के बीच। आपको बता दें दोस्तों, साउथ अफ्रीका जो कि लास्ट मुकाबला जो है वो एक छोटी टीम से हार करा रही है, वो भी नीदरलैंड्स। वहीं दूसरी ओर दोस्तों इंग्लैंड जो कि लास्ट मुकाबला हार कर रही है, वो भी एक छोटी टीम से, अफगानिस्तान से। सो दोनों जो है इंटरेस्टिंग, यानी ऐसे मुकाबले हार कर रहे थे जिससे उम्मीद रहती कि दोनों टीमें जो है ऐसी छोटी छोटी टीमों से मुकाबला हार जाएंगे। बट दोस्तों ये वर्ल्ड कप में सारी टीमें, यानी टॉप 10 टीमें, यानी क्रिकेट के टॉप 10 टीमें, पूरी दुनिया से 10 ऐसी टीमों को चुना जाता है जो कि वर्ल्ड कप की सबसे बेस्ट टीम है। तो जाहिर सी बात है कोई भी टीम किसी से कम नहीं होती है, इस चीज को साबित कर दिया अफगानिस्तान ने जब हराया किसको, इंग्लैंड को। वहीं दोस्तों नीदरलैंड ने साबित कर दिया जब साउथ अफ्रीका को हरा कर। सो बाकी में दोस्तों दोनों टीमें ने खेला, अफगानिस्तान और नीदरलैंड, और दोनों को जो है हरा दिया। तो इंग्लैंड भी हारा हुआ है, श्रीलंका साउथ अफ्रीका भी हारा हुआ, तो ये मुकाबला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और टक्कर का देखने को मिल सकता है आप सभी को। सो वहीं दोस्तों साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका अभी तक जो है पॉइंट्स टेबल पे तीसरे नंबर पर है। ये हार मिलने के बावजूद भी, यानी नीदरलैंड से हार मिलने के बावजूद भी साउथ अफ्रीका को ज्यादा नुकसान तो हुआ नहीं है, उसका नेट रन जो +2 था वो जो है +1 हो गया। तो ज्यादा रन रेट में उतना घाटी इनको मिला नहीं है। तीन मैचों में दोस्तों दो मुकाबले ये जिस साउथ अफ्रीका जीता है और एक मुकाबला हारा है, और नेट रन में उतनी गिरावट आई है, लगभग 1.385 इसका नेट रन। भाई दोस्तों इंग्लैंड की बात कीजिए तो इंग्लैंड को दोस्तों झटका लगा है, उसका नेट रन जो है प्लस में था वो माइनस में अब चला गया है। और साउथ अफ्रीका तो तीन मुकाबले दोस्तों एक मुकाबला ये मात्र जीता है, दो मुकाबले ये हारा है। सो ये तो बात हो गई दोस्तों दोनों की। आपको बता दोस्तों श्रीलंका जो है लास्ट मुकाबला साउथ अफ्रीका जो है नीदरलैंड से 38 रन से जो है लास्ट मुकाबला में हारा था, जिसमें दोस्तों 246 का टारगेट मिला साउथ अफ्रीका को, बट दोस्तों 240 बॉल बना नहीं पाया और मात्र 200 के लगभग में वो ऑल आउट हो जाता है। बट दोस्तों वो जो है अपना शुरू के दो मुकाबले जीत चुका है श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया से। भाई दूसरी तरफ बात की जाए इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड दोस्तों लास्ट मैच जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ जो है 69 रन से हार गया है। इसने जो है अपना पहला मुकाबला भी दोस्तों ये हारा था किससे, न्यूजीलैंड से, और दूसरा मुकाबला मात्र ये जीता है किससे, बांग्लादेश से, और किसी का ये मुकाबला जीता नहीं है। सो इससे पता लगा सकते हैं दोस्तों ये मुकाबला जो है इंग्लैंड के लिए काफी जरूरी है जीतना। वहीं साउथ अफ्रीका ये मुकाबला हार भी जाता तो उतना उसको दिक्कत नहीं पड़ेगा, बट फिर भी दोस्तों इंग्लैंड के लिए काफी मुकाबला जरूरी हो जाता है। फिर भी दोस्तों मुकाबला तो दोनों के लिए जरूरी, क्योंकि दोनों क्वालिफाई करना चाहती है। ऑलरेडी दोस्तों टीम इंडिया और न्यूजीलैंड दो चार चार मुकाबले जीत चुकी है और साउथ अफ्रीका थोड़े से बेहतर पोजीशन में, तो हो सकता है कि वो इस मुकाबले को जीतकर थोड़ा अपने बेस्ट पोजीशन पे आ जाए। सो सवाल उठता है दोस्तों कि आखिर हेड टू हेड मुकाबलों में किसका पल्ला हेड टू हेड मुकाबलों में आखिर किसका पल्ला भारी है। तो साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड के बीच अभी तक जो है 69 मैचेस हो चुके हैं वनडे वर्ल्ड कप में, जिसमें दोस्तों इंग्लैंड जो है वो 30 मुकाबले जीता है और साउथ अफ्रीका जो है 33 मुकाबले जीता है, और 5 मैचेस जो ऐसे रहे जो कि नो रिजल्ट रहे और एक मैच जो है वो टाई रहा। तो इससे यही साबित होता है दोस्तों कि दोनों टीमों के बीच ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों टीमें जो है इक्वालिटी है, और अभी भी दोस्तों ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पल्ला जो है वो साउथ अफ्रीका का ही भारी अभी मुझे लग रहा है। सो बोल तो हम लोग मैच प्रेडिक्शन में बात कर लेंगे कि कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी। अब सवाल उठता है दोस्तों ये मुकाबला खेला कहाँ जा रहा है, पिच रिपोर्ट की बात कर ली जाए तो ये मुकाबला खेला जा रहा है दोस्तों वानखेड़े के स्टेडियम में। और आपको पता है दोस्तों लास्ट 5 मुकाबलों की अगर हिस्ट्री की इस मुकाबले में बात की जाए तो जो भी टीम यहाँ चेस करी है 5 में से 4 मुकाबले जो है वनडे में दोस्तों चेस करते हुए टीम जीती है, मात्र एक मुकाबला ऐसा गया इसमें कि बैटिंग फर्स्ट करने वाली जीती है। जो भी टीम यहाँ टॉस जीतेगी पहले बॉलिंग करने का ही फैसला करेगी, क्योंकि यहाँ चेस करने में दोस्तों रन काफी ज्यादा बनते हैं, ठीक है, और लगभग 281 तक का स्कोर जो यहाँ चेस हो चुका है और फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 276। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करने का ही फैसला करेगी। तो ये पिच रिपोर्ट रहने वाली है कहाँ की, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई की। अब दोनों टीमों के प्लेइंग 11 की बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका के प्लेइंग 11 की। तो साउथ अफ्रीका की तरफ से आपको क्विंटन डिकॉन्ग और तिम्बा मुमा ओपनिंग करेंगे, वन डाउन आपको वान डुइशन देखेंगे, फिर आपको देखेंगे एडम मर्करम, फिर आपको देखेंगे हेनरी क्लासिन, डेविड मिलर, फिर आपको देखेंगे मार्को येंसन, फिर आपको देखेंगे गैस्को रवाडा, केशव महाराज और लुगड़ी लंगड़ी और जनरल पोटेजी आपको दिखेंगे। तो ये प्लेइंग 11 रहने वाली किसकी, साउथ अफ्रीका की। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों आखिर क्या प्लेइंग 11 रहेंगे इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की तरफ जॉनी ब्रस्टो और डेविड मिलर ओपनिंग करेंगे, वन डाउन आपको दिख सकते हैं जॉय रूट, फिर आपको दिखेंगे बेन स्टोक,
काफी मैचों से लास्ट मुकाबला भी नहीं खेला, तो जाहिर सी बात है इस मुकाबले में कंफर्म ये वापसी करेंगे बेन स्टोक, फिर कप्तान बटलर होंगे, फिर उसके बाद लियाम लिस्टर होंगे, फिर आपके सेम करन होंगे, फिर दिखेंगे आपको बुट गुस एटिकिशन, फिर आपको दिखेगा मार्क वुड, फिर आपको दिखेगा आदिल रशीद, फिर आपको दिखेगा ऋषभ टॉपले। तो ये प्लेइंग 11 रहने वाली है किसकी, इंग्लैंड की। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैच प्रेडिक्शन की। सो दोस्तों मैच प्रेडिक्शन की अगर जहां तक बात की जाए तो पल्ला, जैसे कि मैंने आप लोग को हेड टू हेड में बताया कि पल्ला जो है ओवरऑल जो थोड़ा बहुत जो भारी है वो साउथ अफ्रीका का भारी है। अगर इस सीन में अगर टीम के भी कंपेरिजन किए जाए तो इंग्लैंड टीम थोड़ी सी कमजोर नजर आती है, क्योंकि उसके बल्लेबाज कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे नहीं आए। तो आई नो आप जान रहे कि साउथ अफ्रीका ने इस साल काफी धमाल मचा वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर 428 रन बनाया, प्लस उन्हीं की टीम के द्वारा सबसे ज्यादा सेंचुरी भी लगा इस वर्ल्ड कप में। वहीं साउथ अफ्रीका इंग्लैंड की बात कीजिए तो इंग्लैंड की तरफ से अभी तक किसी भी बल्लेबाज ने कुछ बड़ा स्कोर तो नहीं किया है और ना ही कुछ बड़ा कारनामा करके दिखाया, मात्र एक मुकाबला जीता है। तो कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो पल्ला जो साउथ अफ्रीका का भारी है, सो और नीदरलैंड तो साउथ अफ्रीका को, ये बात सत्य है, बट फिर भी दोस्तों उसके नेट रन में उतना मतलब कमी नहीं है। पर दोस्तों जिस प्रकार से इंग्लैंड के जो कि अफगानिस्तान से हारी उसके नेट रन में काफी घटोड़ी आई है, तो जाहिर से आप पता लगा सकते हैं किस टीम का पल्ला भारी। सो मुझे तो ज्यादा पल्ला साउथ अफ्रीका का ही भारी लग रहा है, सो आई एम गोइंग विद साउथ अफ्रीका। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो है साउथ अफ्रीका इस मुकाबले को बड़ी शानदार तरीके से जीत जाएगा। और प्लेयर ऑफ द मैच की बात की जाए तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों किंगटन डिकॉक का बल्ला फिर से बोलेगा इस मुकाबले में। सो दोस्तों मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इस तरह के और मैच के वीडियोस प्रेडिक्शन एंड एवरीथिंग अबाउट द क्रिकेट न्यूज जस्ट फॉलो मी क्रिक एमी। तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।